चमकीली तुम क्या कर रही हो? मुझे देखने भी नहीं दे रही हो, बताओ ना क्या कर रही हो? वाह क्या फैशन है, अब उस लॉर्ड गवर्नर को आपको पत्नी के रूप में देखना ही पड़ेगा। क्योंकि आज आप साक्षात पत्नी लग रही हो। अब तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप में उन्हें अपनी दुल्हन ना दिखे। अच्छा लावण्या जी, जब वो सामने के दरवाजे से आएंगे ना, अभी क्या? उधर उधर, इसके नीचे तो जगह ही नहीं है, इतना बड़ा घर और छुपने की कोई जगह नहीं है। चमकीली उधर, क्या हो रहा है लावण्या? अब ए सर, अब तो आप मुझे अपनी बीवी के रूप में देख सकते हैं। What the hell is this, लावण्या? ये क्या हो रहा है? ए सर मेरी बात तो नहीं, तुम सुनो, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है। मैंने तुमसे आज सुबह ही कहा था ना कि मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरी बीवी की तरह बिहेव करो। कहा था कि नहीं? पहले भी कई बार बोल चुका हूं, बोला है कि नहीं? What's wrong, God damn it? कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए? वहां एक मिनट, ऐसा मैं समझ सकता हूं कि जिस माहौल में तुम पली बड़ी हो वहां की सोच अलग होती है, पर तुम्हारी इस लो मिडिल क्लास मेंटालिटी की यहां कोई जगह नहीं है। यहां किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने को बदतमीजी कहते हैं। पर शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, गलती शायद मेरी है कि मैं तुम जैसी लड़की से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम मेरा लाइफस्टाइल समझो, अपनी कमजोरियों को अपने लाइफ स्टाइल के पीछे मत छुपाइए। पौधे पार करना मुझे भी आता है खुशी कुमारी गुप्ता, पर मेरी दी के लिहाज ने अभी मुझे रोका हुआ है। इससे पहले कि वो लिहाज खत्म हो जाए, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ दिस रूम।
जाकर अपने कपड़े बदलो। लावण्या जाकर अपने कपड़े बदलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ना ही मैं अपने कपड़े बदलूंगी। क्या चाहती हो लावण्या? मैं और तुम हम दोनों जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। द रियल क्वेश्चन इज कि तुम क्या चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ ये पहले दिन से साफ है लावण्या। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला, तुमसे कभी शादी के कोई झूठे वादे नहीं किए। मैं और तुम शुरू से ये जानते थे कि हम साथ रहेंगे पर कभी शादी नहीं करेंगे। तुम भी तो यही चाहती थी लावण्या। मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। Then why are you behaving like this, God damn it? ये छोटे लावण्या पे इस तरह से क्यों चीख रहे? हेलो हाय बाय बाय, ये फटी साड़ी ही आग लगाई हुई, वेरी सुअर। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा शादी के बारे में ख्याल ही बदल गया? बोलो। इसलिए सर, क्योंकि मैं हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको इस रिश्ते से डर क्यों लग रहा है? डर? तुम सोचती हो कि मैं डर रहा हूँ? तो फिर क्यों नहीं कर रहे हम शादी? अगर नहीं डर लगता आपको या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्यों नहीं कर सकते हम शादी? प्यार नहीं है मुझसे ये साथ, कोई परवाह नहीं है आपको मेरी? हाँ, नहीं है तुम्हारी परवाह। तभी सारे घर वालों से लड़के अपने सब घर वालों की मर्जी के खिलाफ, अपनी दी की मर्जी के खिलाफ, अपनी नानी की मर्जी के खिलाफ इस घर में सबके साथ रखा, क्योंकि शायद मेरा दिमाग खराब हो गया था। ए सर प्लीज चिल्लाओ मत, मैं नहीं चाहती कि नीचे सब सुने। तो क्या चाहती हो लावण्या? क्या नहीं चाहती हूँ ये बता सकती हूँ तुम्हें। दो अलग अलग कमरों में नहीं रहना चाहती, हर रोज ये नहीं सोचना चाहती कि आप मुझसे प्यार करते हैं भी या नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के नहीं रहना चाहती है ये साल, मुझे और बहुत कुछ चाहिए। लावण्या मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। तो फिर बहुत हुआ, तुमसे ये नाटक अब और नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। तुम्हारी मर्जी। लावण्या जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आप सबने सुन लिया ना, लावण्या ये घर छोड़कर जा रही है और अब इस लड़की की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। इसका हिस्सा पूरा कर दीजिए दी, और इसे कह दीजिए कि इस घर से और मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाए। अंजलि बिटिया, ये सब कहाँ हो रहा है? वैसे मिस कश्यप हमका कभी भी पसंद नहीं थी, और छोटे तो शादी के नाम से ऐसा नफरत करते कि अरे जिस लड़की की खातिर वो हमसे लड़े उन्हीं को आज घर से बाहर निकाल दिया। और मिस कश्यप शादी की जोड़ामा, पता नहीं कहाँ हुई गवाह होगा। जो भी है, कम से कम मिस कश्यप से पीछा तो छूटा। ये तो आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है खुशी बिटिया।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।